केरल के कोची में हुए धमाकों से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। केरल के कोची में हुए धमाकों से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो कई लोग इसे हमास का हमला बता रहे हैं, तो कई लोग इसे इस्लामिक आतंकवाद का हमला बता रहे हैं। ये चीज तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि केरल के एर्नाकुलम में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए। इस धमाके में 1 की मौत और 52 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कलाम सेरी में स्थित इस कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे के करीब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार 3 धमाके हुए। राज्य की ADGP लॉ एंड ऑर्डर अजीत कुमार ने बताया कि एक शख्स ने कोडकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। उसका दावा है कि उसने ही कन्वर्सन सेंटर में बम रखा था। आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। हालांकि मार्टिन ने अभी तक यह नहीं बताया कि किस वजह से उसने ये धमाके किए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। इससे पहले कन्नूर पुलिस ने भी एक व्यक्ति को उसके बैग में संदिग्ध सामान मिलने के बाद हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा है कि वह झारखंड का रहने वाला है। वह मंगलुरु से एरिकोड जा रहा था। बता दें, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 52 लोगों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें 18 लोग ICU में भर्ती हैं, तो एक 6 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। बता दें, जेहोवाज विटनेसेस संस्थान के स्थानीय प्रवक्ता TA श्री कुमार ने कहा कि कन्वेंशन हॉल में 9:45 पर प्रेयर खत्म होने के बाद पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ। कुछ सेकंड बाद हॉल की दोनों तरफ 2 और धमाके हुए। एर्नाकुलम में जहां ब्लास्ट हुआ है, उसके आसपास बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। केरल के DGP से एक दरसेब साहब ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक EID टिफिन बॉक्स में प्लांट कर कन्वेंशन सेंटर के अंदर रखा गया था। पूरी जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। तब तक के लिए रिमेन कॉम एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट दैट नो प्रोवोकेटिव पोस्ट आर हेट पोस्ट शुड बी पोस्टेड ऑन द सोशल मीडिया। इफ एनीबडी इज डूइंग सच थिंग, we will take very stringent action against them also. Thank you. Preliminary investigation.